टूपी तक सर्दी का सितम जारी है, लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी कोहरे, ठंड और गलन से लोग परेशान हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय जोरदार ठंड से कांप रहा है। गोंडा नोएडा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का आनंद लिया जा रहा है सर, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ठंड बहुत बढ़िया पड़ रही है सर, और ठंड पड़ना ही बहुत जरूरी है सर। इसमें खेती बेती और अपना आराम से बढ़िया, कोई ठंड नहीं पड़ेगी तो सर खेती बाड़ी नहीं होगी। कोहरा तो कल तो सर ये है कि दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम कतई नहीं दे रहा था। पर लेकिन तब भी सर कोहरा भी जरूरी है, पर ये ड्राइविंग थोड़ा ये कि जिस दिन ज़्यादा हो तो थोड़ा ड्राइविंग ना अपना कम करके पैदल ज़्यादा मौज मस्ती लें। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए, नोएडा से हिमांशु, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवम का रुख करते हैं। शिवम, देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम लगातार जारी है, लगातार शीतलहर और ठंड की वजह से लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर दिल्ली में शीतलहर और सर्दी दोनों का डबल अटैक जारी है। हालात इस तरीके की है कि बीता दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जब दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो नैनीताल के तापमान के आसपास है। यही एक वजह है कि सड़कों पर सन्नाटा है। इस वक्त डबल अटैक दिल्ली के लोग फील कर रहे हैं। एक्चुअली शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो वहीं आप देखें तो कोहरा भी पूरी तरीके से दिल्ली में छाया हुआ है। सामने आपको विजुअल्स में देखें तो लाइट्स ऑन करके जिन लोगों को इस सुबह निकलना है सभी सड़कों पर लाइट चला रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान और गिर सकता है। ऐसे में दिल्ली में सर्दी बढ़ने के और चांसेस हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा दिल्ली NCR और उत्तर भारत इस समय ठंड के डबल अटैक के चपेट में है। IMD के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में अगर मंगलवार को हल्की बारिश होती है तो तापमान और गिर जाएगा, जिससे सर्दी बढ़ जाएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है आज। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो कोहरे में कमी आएगी, लेकिन दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी। हालांकि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तमाम सुविधाओं का सहारा ले रहे हैं, कम से कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बिल्कुल शिवम, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर में ही वो रह रहे हैं। नोएडा लिए चलते हिमांशु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जरा बताइएगा, क्योंकि ठंड का सितम तो जारी है लेकिन आबो हवा भी देखा जा रहा है किस तरीके से खराब होती जा रही है। AQI जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल चांदनी, देखिए आपको बता दें, नोएडा में ठंड का सितम जारी है और साथ ही आज तेज हवाएं चल रही हैं और उसके अलावा प्रदूषण भी अपने चरम पर है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के आसपास दर्ज किया गया है और ग्रेटर नोएडा में 350 के करीब दर्ज किया गया है। लिहाजा आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, ये सुबह दिन का वक्त है और क्या स्थिति, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। विजिबिलिटी 200 मीटर के आसपास है, आज विजिबिलिटी कम है थोड़ी आम दिनों से, लेकिन स्थिति आप देखेंगे कैसे जो गाड़ियां चल रही हैं वो इंडिकेटर्स, हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स जलाकर चल रही हैं। इसके अलावा स्पीड लिमिट भी तय की गई है एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड की, ताकि हादसों में कमी आए। और ठंड का सितम देखिए कि हम एक सड़क पर खड़े हैं और इस तरीके के कई जगह लोगों ने लकड़ जला रखे हैं ताकि लोगों को राहत मिले। इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं उनको राहत मिल सके। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो है, सुबह का वक्त है और ये मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और इंतज़ाम किया है ताकि ठंड जो है वो कम लगे, क्योंकि आज तेज़ हवाएं चल रही हैं और तेज़ हवाएं जो है, तेज़ हवाओं के साथ साथ तापमान में भी जो है वो वही तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि 11 डिग्री तापमान बताया गया है जो मौजूदा है और इसके अलावा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री। इसके अलावा ऐसा भी बताया गया है कि दिल्ली NCR में बिल्कुल हिमांशु जिस तरीके से नोएडा की आबो हवा है, इस तरीके से खुद को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, यानी कि सावधानी बेहद जरूरी है। मथुरा लिए चलते हैं, नितिन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा वहां का भी हाल जरा बताइए, क्योंकि देखा जा रहा सर्दी का सितम तो जारी है लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं में किसी तरह की कोई कमी कभी देखी नहीं जाती है।
जी देखिए, अगर बात करते हैं तो सर्दी का जो सितम लगातार जारी है और उसी के चलते जो भगवान है उनको भी गर्म पोशाक पहनाई जा रही है, हीटर जलाया जा रहा है, तो कहीं अंगीठी से भगवान को गर्मी दी जा रही है। सर्दी के चलते जो भगवान का भोजन है, जो प्रसाद है, उसमें भी बदलाव किया गया है और गर्म चीजें भगवान को दी जा रही है, तो कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम ढाया हुआ है। सर्दी के चलते लोग परेशान है। अगर बात करें तो कल जो है कान्हा की नगरी में पूरे दिन जो है सूरज देखने को नहीं मिला। सूरज को देखने के लिए लोग तरस गए। कोहरे की घनी चादर जो है कान्हा की नगरी पर छाई हुई थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अगर बात करें सर्द हवाओं की तो सर्द हवाएं भी यहाँ पे लगातार चल रही हैं। कोहरा रिमझिम बूंदाबांदी के रूप में धरती पर गिर रहा है, जिससे चलते जो लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। लोग आग जला रहे हैं, साथ में जो गर्म चाय है उसका सेवन कर इस सर्दी को दूर कर रहे हैं। बात अगर श्रद्धालुओं की करी जाए तो बात जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो लोग सवेरे लोग घूमने वाले हैं उनका कहना है कि सर्दी पड़ती है और सर्दी का आनंद लेने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसका इंतजार हम लोगों को साल भर रहता है। सवेरे घूमना चाहिए, गर्म वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हाँ, जो बिना बात के जो लोग सड़क पर घूमते हैं उनको जरूर सर्दी से बचना चाहिए। तो कहा जा सकता है बिल्कुल। और देवमढ़ी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। देवमढ़ी वहां की भी तस्वीरें आप जरा दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी देखा जा रहा है कड़ाके की ठंड और धुंद कोहरे की वजह से जो आम जनता है वो किस कदर परेशान हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर काफी ठंड का माहौल है यहाँ पर, साफ तौर पर देखा जा सकता है सड़कों पर कि लोग कोहरे की वजह से लोग दिन में ही लाइट जलाकर चल रहे हैं और सड़क किनारे तमाम लोगों ऐसे देखा जा सकता है कि जो सड़क किनारे तमाम लोगों ऐसे देखा जा सकता है कि जो जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं रुकते हुए हैं और आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लकड़ी जलाकर आसपास के लोगों में लोग आग अलाव ताप रहे हैं। हालांकि बात करें अगर प्रशासन की तो उसने भी लगातार प्रयास कर शुरू कर दिए हैं और डीएम ने निर्देश दिया है कि तमाम जगहों पर अलाव जलाए जाएं, लेकिन शहरों में और गांव तक कई जगहों पर इस तरह से देखा गया है नगर पालिका क्षेत्रों में जहां पर अलाव नहीं जला और ना ही लकड़ी की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे में जिला प्रशासन से भी लगातार इस तरह से न्यूज 18 भी अपील करता है कि अलाव जलाए जाएं, लोगों को ठंड से राहत के लिए तमाम प्रयास किए जाएं। स्कूलों की बात करें तो अभी तक परिषदीय स्कूल बंद हैं, लेकिन कुछ स्कूल जो प्राइमरी स्तर के हैं उन वो स्कूल खोले गए हैं और ठंड में ठिठुरने को मजबूर है बच्चे, वो स्कूल जाने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं ठंड का असर देखा जा रहा है। गोंडा से लेकर बहराइच, अयोध्या, आसपास के जनपदों में बलरामपुर वहाँ पर जो तराई इलाके हैं और यहाँ का जो नदी का किनारा है वहाँ के इलाकों में तमाम इलाकों में देखा जा रहा है कि वहाँ पे ठंड का माहौल है और लोग बाग बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रही हैं और लोग घर में दुबके हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इससे बाहर निकलने से बच रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ की युवती से प्रतापगढ़ में गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती से गैंगरेप हुआ है। पीड़िता को कार से मोहनलालगंज में छोड़कर भागे आरोपी। पीड़िता के भाई ने प्रतापगढ़ के 5 लोगों पर FIR भी दर्ज कराई है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। मोहनलालगंज पुलिस जो है लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो 5 आरोपियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मोहनलालगंज पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, मोहनलालगंज की एक युवती है जो नौकरी की तलाश कर रही थी, उसको एक जगह दीवार पर पोस्टर दिखाई दिया जहां पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था प्रतापगढ़ का और ये कहा गया था नौकरी के लिए संपर्क करें। उसी नंबर पर फोन कर ये युवती 7 तारीख को प्रतापगढ़ पहुंची थी और आरोप है कि वहां पर जो नंबर जिसके नाम से था राकेश और उसके 4 साथियों ने उसके साथ एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया है और उसको वापस मोहनलालगंज इलाके में ही अपनी कार से छोड़कर गए हैं। युवती ने अपने साथ जो हुआ अपने भाई को बताया। भाई की तहरीर पर मोहनलालगंज कोतवाली में गैंगरेप की FIR दर्ज कर ली गई और आरोपियों की तलाश के लिए तफ्तीश जारी है। युवती को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस उसका जल्दी मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।